सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। गाइज, आज देखिए कंप्यूटर के हमारी फोर्थ क्लास हो गई है। वैसे काफ़ी टाइम बाद हो रही है, अप्रॉक्स 8 दिन हो गए हैं, बिकॉज देखिए थोड़ी प्रॉब्लम थी, गला भी ख़राब हो रहा था और फीवर वगैरह था। सो देखिए काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आई है, फिर भी देखिए मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का आपको समझ में आ जाए। और हिंदी इंग्लिश जैसे कि मैं हर एक जो भी मैं चैनल पर पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, उसी तरीके से हम आज भी पढ़ेंगे। तो गाइज देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अभी तक कितनी जनरेशन्स आई हैं, ठीक है गाइज, और हर जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है, और किस पर ये बेस्ड थी, और किस टाइम से किस टाइम तक कौन सी जनरेशन चली। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गाइज जो कंप्यूटर की इकाइयाँ होते हैं, यानी जो कंप्यूटर की यूनिट्स होती हैं। आपने सुनी होगी KB का शायद आपको पता हो, MB का आपको पता हो, GB का आपको पता हो, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से छोटी से लेकर लास्ट तक की मैं आपको हर एक यूनिट के बारे में बताऊँगा। क्योंकि आप CHSL के लिए फॉर्म भर रखा हो, आपने कंप्यूटर के लिए भर रखा हो, या सॉरी मतलब दिल्ली पुलिस के लिए भर रखा हो, मतलब जिसमें कंप्यूटर आता है, आपने कोई सा भी आप फॉर्म भर रखा हो गवर्नमेंट जॉब का, उसमें हर किसी में देखिए ये आता जरूर, इनमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर आ जाता है जनरेशन से रिलेटेड, या जितने भी यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर की उनसे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जरूर आ जाता है गाइस। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक गाइस ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और ट्राई करूँगा। वैसे गला अभी तक ख़राब है, अच्छे तरीके से सही नहीं हुआ है, फिर भी हम ट्राई करेंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का। सो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब्स थोड़ा सा ये जो है स्पीड वगैरह के लिए, ये जब ट्राई किया था स्टार्टिंग में कि इनसे थोड़ा स्पीड आएगी और ये सब चीज़ें वैक्यूम ट्यूब में, मतलब डेटा के लिए या स्पीड के लिए ये सब थी। फिर उसके बाद गाइस आया सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, देखिए मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ी देर बाद इन्हें अच्छे तरीके से पिक वगैरह के साथ, ट्रांजिस्टर। फिर आया गाइस ट्रांजिस्टर जो है, ये जो वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन का, इससे ज़्यादा स्पीड थी ट्रांजिस्टर की। फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी IC वाले कंप्यूटर आए। फिर उन जो थर्ड जनरेशन थी, फिर जो है ट्रांजिस्टर से ज़्यादा IC वाले जो कंप्यूटर थे जो थर्ड जनरेशन के थे, इनकी स्पीड आई। फिर उसके बाद आया गाइस VLSI, ये देखिए फुल फॉर्म भी इसकी पूछ लेते हैं। VLSI देखिए, ये जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर थे, तो इसकी जो स्पीड थी लास्ट वाले जो थर्ड जनरेशन से जो था कंप्यूटर, उससे ज़्यादा स्पीड थी इस वाले की। फिर उसके बाद देखिए जिस टाइम में हम जी रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन में गाइस हम जी रहे हैं, कंप्यूटर की चल रही फिफ्थ जनरेशन, और इसमें आप देख सकते हैं लैपटॉप वगैरह है, या स्क्रीन पर ही देखिए कंप्यूटर चलता रहता है बिना किसी को की टच किए। स्क्रीन पर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, या देखिए आपने देखा होगा क्रिस मूवी में, वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर चलते रहता है। तो गाइस वो इस तरह के आजकल मतलब काफ़ी अपग्रेडेड हो चुकी हैं ये चीज़ें। चलिए गाइस चलते हैं अपना वीडियो पर, देखिए स्लाइड बाय स्लाइड हम पढ़ेंगे और पिक वगैरह के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। सो गाइस देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन थी, प्रथम जनरेशन थी, 1940 से 1956 तक मतलब मानी जाती है ये। वैसे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 45 से 56 तक भी हो जाएगा, तो दोनों सही हैं, जो भी आता है उसमें आप क्लिक करना। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात होती है तो ये 56 तक थी 1940 से। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब का इसमें प्रयोग होता था, जैसा कि मैंने अभी आपको पिक में दिखाया था पीछे, और ये जो है गाइस मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग इसमें किया जाता था। और इसकी देखिए लैंग्वेज थी इसकी गाइस बाइनरी नंबर का, शायद आपको पता हो, जैसे 0 और 1 में ये काउंट होते हैं, 0 1 1 1 0 0 कुछ भी हो, मतलब 2 3 4 5 इसमें नहीं हो, बाइनरी नंबर होता है जैसे, तो ऐसे इसकी जो है मशीनरी, जो इसकी लैंग्वेज थी बाइनरी थी। अब देखिए गाइस लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज काम क्या करती है, लैंग्वेज देखिए काम करती है गाइस, ये जो करती है राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइट करने का काम करती है। जो लैंग्वेज जो यूज़ होती है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उन्हें राइट करने का काम करती है, ठीक है। और गाइस देखिए काफ़ी सारे परफॉर्मेंस करती है, जैसे कंप्यूटेशन वगैरह हो गया, या एल्गोरिथम वगैरह हो गया, या देखिए और ये ट्राई करता है पॉसिबल जितना पॉसिबल हो कंट्रोल करने में, कंट्रोल करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस वगैरह, जैसे प्रिंटर हो गया। यानी लैंग्वेज इतने सारे काम करती है, जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उनके इतने सारे काम होते हैं कि एक्सटर्नल डिवाइस तक वही कंट्रोल करती है कि ये वाली इसमें सूटेबल होगी या नहीं होगी, तो वो सब गाइस लैंग्वेज पर डिपेंड रहता है कंप्यूटर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, द्वितीय। अब देखिए फर्स्ट का देखिए वैक्यूम ट्यूब, जैसे मैंने दिखा दिया था आपको, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ गाइस वैक्यूम ट्यूब है क्या। सो गाइस देखिए यू कैन सी दिस वन, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब है, और देखिए ये जो है ओरो के कंपेयर में, देखिए जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में आई थी तो ओरो के कंपेयर में तो बहुत स्लो काम करती थी वैक्यूम ट्यूब पर जो काम चलता था। तो गाइस ये जो है फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब आई थी, ये है इस टाइप की वैक्यूम ट्यूब होती थी, तो जो वैक्यूम ट्यूब थी ये गाइस आप काम बहुत स्लो करती थी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम दूसरे वाले पर।
फिर देखिए सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर जो थे, जो वैक्यूम ट्यूब थी लास्ट वाली, उससे ज़्यादा स्पीड, मतलब स्पीड का काम करते थे। और इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या था गाइज, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी इसमें गाइज थी। और इसकी लैंग्वेज कौन थी, असेंबली लैंग्वेज थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज थी कौन सी लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज, राइट। अब देखिए उसकी पिक और दिखा दो आपको मैं। तो गाइज देखिए आप बीच में देख सकते हैं, ये जो है ये हमारे ट्रांजिस्टर हैं। तो ये देखिए, ये जो है इसे जब लगाने के बाद सेकंड जनरेशन में, मतलब फर्स्ट वाले से थोड़ी स्पीड बढ़ गई थी इसकी, तो इसे गाइज बोलते हैं ट्रांजिस्टर। और जो देखिए जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो कब से कब तक था, 1956 से 63। तो इन देखिए सन जरूर याद रखने के, सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर जो था कब तक चला था, 1956 से 63, यानी कितना चला था, 7 ईयर्स, ये चला था गाइज 7 ईयर्स। अब देखिए आगे चलते हैं, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कब से कब तक चला था, 1964 से 71 तक, यानी ये भी कितना चला था, 7 ईयर्स। तो देखिए इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जिसे हम शॉर्ट में बोल लेते हैं आईसी। आईसी आप आराम से समझ जाते हो आईसी क्या होता है। और इसमें भी क्या था, मैग्नेटिक कोर वगैरह, जो इसकी जो लैंग्वेज वगैरह थी। और गाइस देखिए अगर आईसी की बात करें, जैसे इससे पहले जो था ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, तो एक खाली एक आईसी काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर का मिश्रण मान लीजिए, क्या इतने या तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते थे, और एक आईसी में ये समझ लीजिए काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर आ जाते थे। तो एक छोटी सी आईसी काम करती थी काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर का, और उसमें देखिए इतने ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता था, ठीक है। तो एक सिंगल आईसी में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर का काम हो जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थी हमारी फिर फोर्थ जनरेशन आई। और ये देखिए गाइस कब से कब तक चली थी, ये गाइस चली थी 1971 से 1980 तक, ये फोर्थ जनरेशन थी। अब ये देखिए बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट थे इसमें, मतलब थोड़ा बड़ा ये जो था माइक्रो प्रोसेसर। और देखिए इसका जो है, और देखिए इस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ क्या होता था गाइस, इसमें यूज होता था VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। जो देखिए गाइस इसमें थे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते थे, इनका मतलब देखिए गाइस क्या है, ये जो सर्किट्स थे VLSI जो थे, ये VLSI रखते थे कम से कम 5000, जो 5000 ट्रांजिस्टर होते थे उनकी पावर एक सिंगल चिप में होती थी। आप ये समझ लीजिए कि उनकी कंपेयर में कितनी स्पीड होगी इनकी, ठीक है गाइस। चलिए मैं पिक और दिखा देता हूँ आपको। देखिए गाइस ये है, ये होती थी VLSI चिप, यहाँ देख सकते हैं आप VLSI टेक्नोलॉजी, ये है VLSI चिप, ये देख सकते हैं अगर किसी भी टाइप का आपने मदरबोर्ड देखा हो तो ये होती थी VLSI चिप, ठीक है गाइस। और ये देखिए फोर्थ जनरेशन का ये कंप्यूटर हुआ करता था, इस तरह के देखिए फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर चल रहे थे। और देखिए अब जैसे लास्ट, अब जहाँ फिफ्थ जनरेशन बची है उसमें और मैं दिखा देता हूँ किस किस तरह के देखिए कंप्यूटर होते हैं। ज़रा मैं एक बार और कंप्यूटर और दिखा दूँ आपको, तो गाइस देखिए अगर हम बात करें ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर इस तरह का हुआ करता था, ये वाला जो है ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था, इतने बड़े बड़े ये कंप्यूटर हुआ करते थे। और इससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, शायद उसकी मैंने पिक आपको नहीं दिखाई है, अभी एक पिक और दिखा दूँ मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये देखिए फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, देखिए इतना बड़ा पूरा, ये देखिए कंप्लीट, ये इतना बड़ा कंप्यूटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊपर तक, ये सब जो है ये सब गाइस ये कंप्यूटर ही है, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कितना बड़ा था। एक पिक में और दिखाता हूँ आपको, इसमें थोड़ा क्लियर सा है, देखिए ये देखिए गाइस कितने बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ये इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। देखिए गाइस नीचे तक ये पूरा ये कंप्यूटर ही है, जैसे कोई एक डीजे सेट लगा दिया हो किसी ने, तो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, ये था गाइस फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर। और गाइस देखिए अगर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें 1980 के बाद जो है, ये गाइस जो भी है ये अभी तक जो चल रहे हैं ये सब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। और इसमें देखिए चाहे आप लैपटॉप की बात कर लो या स्मार्ट कंप्यूटर की बात कर लो, देखिए गाइस इसमें क्या था, इनिशिएटेड किसके द्वारा हुआ था, ये हुआ था जापान के द्वारा, और जापान की जो थी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये जो है
अपना ये स्टार्टेड हुआ था, यानी इनिशिएट जो हुआ था। और देखिए मैसिव पैरेलल कंप्यूटिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग के लिए ये जो गाइस है ये बनाया गया है, ठीक है। और देखिए मैं आपको कुछ पिक्स दिखा दूँ किस किस तरह के, देखिए 5th जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं आजकल, देखिए आप देख सकते हैं किस किस तरह के चल रहे हैं। आप नीचे देख लीजिए, एक कंप्यूटर और है नीचे, ठीक है। इसी तरह के देखिए ये आजकल कितने, मतलब किस किस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, किस किस तरह के कंप्यूटर चल रहे हैं, ये देखिए गाइस। आपने शायद देखिए कोई मिल गया मूवी, या आपने देखिए काफ़ी सारी मूवीज़ आ चुकी हैं जो कि देखिए आप बिना स्क्रीन के देखिए आप कंप्यूटर चलाते हैं, जैसे पर्दे पर कोई कंप्यूटर चल रहा हो, इस सारे पर कंप्यूटर चलता है विदाउट टचिंग, यानी कि आपने देखा होगा। तो उस तरह के देखिए 5th जनरेशन के ऐसे ऐसे कंप्यूटर चल रहे हैं, ये भी देखिए 5th जनरेशन का ही कंप्यूटर है एक। चलिए गाइस आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले देखिए गाइस एक बार और याद कर लीजिएगा कि कौन सी जनरेशन किस टाइम से किस टाइम तक थी। 40 से 56 तक देखिए पहली जनरेशन थी, 56 से 63 तक, यानी 7 साल देखिए गाइस ये वाली जनरेशन चली थी जो सेकंड थी 63 तक। और फिर देखिए 64 से 71 तक, यानी ये भी 7 ईयर्स चली थी। तो ये 3rd जनरेशन जो थी 71 तक चली थी। 71 से देखिए 4th जनरेशन चली थी 80 तक। और देखिए 80 के बाद से जो है 5th जनरेशन अभी तक चल रही है, ठीक है गाइस। तो इनका देखिए ईयर आपको ज़रूर याद रखना है। अब चलते हैं गाइस आगे, यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। जो देखिए गाइस मेमोरी होती है कंप्यूटर की, एक मेमोरी होती है, तो देखिए उसे मेज़र करने के लिए यूनिट्स होती हैं, यानी जिन्हें इकाइयाँ कहते हैं, कंप्यूटर की इकाइयाँ होती हैं। तो मैं देखिए आपको छोटी से लेकर लास्ट जो सबसे बड़ी जो यूनिट है इसकी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और देखिए इसमें से गाइस देखिए आता जरूर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा गाइस। इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है कि कौन सी सबसे छोटी इकाई होती है, कौन सी सबसे बड़ी इकाई होती है, क्योंकि जीबी दो आपको दो मिलेंगी, जीबी कौन सी जीबी होती है वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखिए वन बिट इक्वल होता है बाइनरी डिजिट 0 1 के। बाइनरी देखिए जैसे आपको मैंने बताया था बाइनरी नंबर कौन से 0 और 1 1 में काउंट होते हैं। अब देखिए 8 बिट्स के बराबर होते हैं 1 बाइट, 8 बिट्स मिलाकर बनती है 1 बाइट। अगर देखिए सबसे छोटी इकाई की बात करें आपसे पूछ जाए तो क्या बोलेंगे आप, 1 बिट, यानी बिट जो होती है सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की। बाइट का देखिए गाइस आपको पता होगा, और बाइट के बाद देखिए क्या है, 1024 बाइट जो होती है, 1024 बाइट्स में होती है 1 किलोबाइट, यानी जिसे आप KB बोलते हैं। स्पीड जब स्लो हो जाती है हमारी, जैसे आजकल जो है 4G मोबाइल चल रहा है, जब स्पीड चली जाती है तो आप बस KB में देखते हैं, ठीक है गाइस। और पॉइंट KB में जो आता था, पॉइंट KB आप समझ लीजिए वही बाइट होती थी, ठीक है वही बाइट होती है। उसके बाद देखिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1024 बाइट्स में 1 KB होता है, यानी 1 किलोबाइट होता है। और अब 1024 किलोबाइट में क्या होता है, 1 MB, जो MB में जो स्पीड आती है, यानी मेगाबाइट। फिर देखिए 1024 मेगाबाइट में क्या होता है गाइज, 1 GB होता है, यानी 1 GB, जैसा हमें डेटा मिलता है 1 GB मिलता है एक दिन के लिए, या 1.5 GB मिलता है, यानी 1 GB में क्या होता है 1024 MB मेगाबाइट। अब देखिए गीगाबाइट, 1024 GB में क्या होता है, 1 TB, यानी 1 TB होता है, शॉर्ट में बोल लेते हैं 1 TB, कि मेरा हार्ड डिस्क कितना है, मेरा 1 TB का है, 1 GB का है, 64 GB का है, तो आप समझ सकते हैं कि 1024 GB में कितना होता है 1 TB, 1 TB बराबर होती है 1024 GB के। फिर है 1024 TB, यानी 1024 TB किसके बराबर होती है, ओनली 1 PB के, 1 PB बराबर होती है, यानी 1024 TB। फिर उसके बाद क्या है, 1024 PB बराबर होती है 1 EB के, यानी इससे बड़ी होती है, 1 EB में होती है 1024 PB। ध्यान रखिए 1024 का ध्यान रखिएगा, 1024 PB में क्या होती है, 1 EB होती है, 1 EB। फिर उसके बाद क्या है गाइज, 1024 EB बराबर होती है ओनली 1 ZB के, 1 ZB में क्या होती है 1024 EB। फिर 1024 ZB बराबर होती है YB के, ठीक है गाइज, यानी 1 YB में, YB में 1 YB में क्या होता है 1024 ZB होते हैं। उसके बाद देखिए जस्ट दो रह गए हैं, 1024 YB में क्या होता है, 1 BB होता है,
ठीक गाइज। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, 1024 ब्रोंटोबाइट में क्या होता है, 1 जियोबाइट। तो देखिए इसे भी देखिए जीबी करके बोलेंगे, 1 जियोबाइट। इस चीज़ का ध्यान रखें, जियोबाइट होती है हमारी सबसे बड़ी यूनिट, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल आप गाइस ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, जियोबाइट। या हम देखिए अगर छोटी की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट, यानी 1 बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर देखिए आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है गाइज। थैंक यू, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।